भारत से हजारों किलोमीटर दूर अफगानिस्तान में तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है, लेकिन उसकी आर्थिक संकट सूरत शहर में भी देखा जा रहा है। सूरत का कपड़ा बाजार, जहां से हजारों किलोमीटर कपड़ा अफगानिस्तान वाया ढाका और अन्य शहरों से जाता था, अचानक वहां तालिबान शासन आने के वजह से पेमेंट अटक गया है। कितना पेमेंट है, किस तरह का व्यापार होता था, आइए हम जानते हैं सूरत फेडरेशन ऑफ टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन के डायरेक्टर रंगनाथ सारदा जी के पास से। सर, किस तरह की स्थिति अभी हाल फिलहाल देखने मिल रही है? देखिए, हाल फिलहाल की स्थिति की बात करने जाऊं तो सूरत कपड़ा बाजार से जो भी कपड़ा जाता था वो सालाना ज्यादा व्यापार नहीं होता था, 1000 से 1200 करोड़ का व्यापार होता था, और कोरोना काल के बाद में ये व्यापार इतना ही करते थे। लेकिन जैसे ही तालिबानियों ने कब्जा किया, वैसे अमेरिका की सेना जैसे ही तालिबान से अफगानिस्तान से वापसी की घोषणा की तो सूरत के व्यापारियों को ऐसे मालूम हो गया था, तो उन्होंने अपने कपड़े से हाथ खींच लेते। लेकिन जो भी हमारा कपड़ा जाता है वो वाया ईरान, जैसे चाबार बंदरगाह से कंटेनर जाते हैं, सड़क मार्ग के जरिए काबुल है, कांदार है, गजनी जैसे शहरों में, और कुछ माल हमारा बांग्लादेश के ढाका के जरिए भी सड़क मार्ग से जाता है, और कुछ माल दुबई से भी ट्रांजिट होके जाता है। तो कुल मिला के इसमें जो भी हमारे आइटम जाते हैं, वहाँ की महिलाओं के लिए दुपट्टा है, बुरके की है, बुरके का कपड़ा, शॉल है, उसके अलावा ड्रेस मटेरियल में साटिन जैसे चमकीले आइटम जाते थे, वो कम्प्लीटली अभी माल बंद हो गया है। और यहाँ के व्यापारी ये सोचते हैं कि तालिबानी हुकूमत 20 साल पहले उन्होंने देखा है तो वहाँ व्यापार करना ही नहीं चाहिए। यहाँ के करीब 100-125 व्यापारी है जो अफगानिस्तान में व्यापार करते हैं, वाया भले ही वो ईरान है, बांग्लादेश है या दुबई के जरिए। उन्होंने अभी यह तय कर लिया है कि आने वाले समय में हमें ये व्यापार स्विच करना है, तो ये जो व्यापार 1000-1200 करोड़ का होता है ये कम्प्लीटली वो बंद करने वाले, क्योंकि पैसा ही नहीं आएगा। वहाँ तालिबानी को अंदर लोगों को, महिलाओं को सड़कों पे बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, और वहाँ के लोग भाग रहे अफगानिस्तान छोड़ के, तो व्यापार कहाँ होगा। रही बात जो हमारा पैसा अटका है, चाहे वो ईरान के एजेंट में है, चाहे बांग्लादेश के है, चाहे दुबई के, लेकिन उनका तो सारा पैसा अफगानिस्तान में अटका। जब तक उनका पैसा नहीं आएगा तो हमारा पैसा भविष्य के अंदर में। हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी अभी वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में अंतर्राष्ट्रीय दबाव में तालिबानी किस तरह आएंगे। अगर 20 साल पुराने रवैये पे आते हैं तो जो पैसा है वो भी नहीं आएगा और व्यापार कम्प्लीटली बंद हो जाएगा। जिस तरह से तालिबान का भूतपूर्व इतिहास देखे जाए, जो उनका रवैया रहा है, और उससे क्या लगता है कि कोई आशा की किरण है कि वहाँ से जो व्यापारियों का अटका हुआ पेमेंट है वो आने की कोई चांसेस लग रहा है आप? देखिए, तालिबान की कथनी और करनी में फर्क है। जैसे ही उन्होंने वहाँ राष्ट्रपति भवन से कुछ घोषणा की, उसका तुरंत बाद में देख लिए महिलाओं बच्चों पे अत्याचार चालू हो गए थे, तो तालिबान की कथनी करनी में फर्क है। हमें नहीं लगता है कि तालिबानी सुधर जाएंगे, तो व्यापार करना अब कोई नहीं चाहेगा, और पैसा जो है वो यहाँ वाले व्यापारी को ऐसा ही लग रहा है कि अब पैसा आने वाला नहीं है, लेकिन नया व्यापार भी उनको नहीं करना है। तो जो पर्टिकुलर अफगानिस्तान व्यापार करते थे उनके कपड़े का धंधे का जो है वो भविष्य अधर में हो गया है। क्या स्वयं इच्छा से, जिस तरह आपने बताया कि 100 जितने व्यापारी है, तो स्वयं इच्छा से उन्होंने व्यापार बंद करने का निर्णय लिया है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही व्यापारी को आप पूछेंगे वो व्यापार यही बोलता है कि जब पैसे की गारंटी नहीं है, आदमी की गारंटी नहीं तो पैसे की गारंटी कौन लेगा, तो कौन अपने पैसे को खतरे में डालेगा, इससे अच्छा वो दूसरी जगह व्यापार कर लेगा। लेकिन फिलहाल उन्होंने ये तय कर लिया कि आने वाले समय हम अफगानिस्तान व्यापार नहीं करेंगे। या आने वाले दिनों में जिस तरह ईरान, ढाका वगैरह से कपड़ा अफगानिस्तान जाता था, उसी माध्यम से अगर जाने के चांसेस हो तो क्या व्यापार की संभावना है? ये तो संभावना रहेगी, अगर तालिबानी और पिछले 20 साल की जगह अभी नई आधुनिक स्टाइल से अगर वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव से अगर आते हैं और व्यापार होता है और पुराना पैसा अगर आता है तो व्यापारी जरूर इस पे सोचेंगे, अन्यथा व्यापारियों ने फिलहाल यह तय कर लिया है कि हमें अभी व्यापार नहीं करना है। क्या फेडरेशन के पास कोई आंकड़ा है इस समय कि कितना पेमेंट अटका हुआ है? नहीं, ऐसा कोई पूरा आंकड़ा नहीं है, क्योंकि जैसे ही अमेरिका की सेना वापसी शुरू हुई तो व्यापारियों ने यह माल रोक दिया, लेकिन जो व्यापारियों ने यह माल बना के रखा है वो व्यापार का जरूर थोड़ा उनका नुकसान होगा, और जो माल चला गया चाहे वो ईरान के चाबहार बंदरगाह पे, जैसे अभी एक व्यापारी ने बोला मेरा कंटेनर वहां था और जैसे अफगानिस्तान सड़क मार्ग के जरिए जाना था, मैंने उस माल को रुकवा दिया ताकि वो पैसा उसका बच गया, वो ईरान में माल बेच लेगा या रिटर्न मंगवा लेगा। तो कुल मिला के ऐसे देखने जाओ तो व्यापार जो होता था साल का 1000-1200 करोड़ का, वो व्यापार का कम्प्लीटली नुकसान है। रही बात पैसे की, तो पैसा जो भी है, जो एजेंट है उनसे धीरे धीरे व्यापारी वसूल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, या अपना नया माल उनको दूसरे कंट्री के लिए देंगे और अपना पैसा निकालने की कोशिश करेंगे। जी धन्यवाद। और जिस तरीके से तालिबान की वर्तमान परिस्थिति को देखा जा रहा है, विश्व के हर देश नजर बनाए हुए हैं, जिस तरह की परिस्थिति इस समय वहाँ पर है, सूरत के लगभग 100 से अधिक जो कपड़ा व्यापारी वहाँ अप्रत्यक्ष तौर पर व्यापार करते थे, उन्होंने साफ अपना रवैया दिखाया है कि वो जब तक तालिबान शासन है
वहाँ पर व्यापार नहीं करेंगे और लगभग जो सालाना 1000 से 1200 करोड़ रुपए का व्यापार था उस पर इसका सीधा असर दिखेगा। सूरत से श्वेता सिंह, ईटीवी भारत। सतत 24 कलाक समाचार जो आ माटे डाउनलोड करो ईटीवी भारत ऐप।